जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, मोक्ष का सर्वोत्तम बीज राम नाम का जप है। किस प्रकार मोक्ष का सर्वोत्तम बीज राम नाम का जप है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। अलग अलग तरह के पापों के अनुरूप जो प्रायश्चित हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, महर्षियों ने बताए हैं, तो कुछ तो प्रायश्चित हैं तपस्या के द्वारा जिनका प्रायश्चित किया जाता है, कुछ पाप ऐसे हैं जिनका प्रायश्चित कर्मों के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर तपस्या के द्वारा, कर्मों के द्वारा, दान के द्वारा, पुण्य के द्वारा तुम पापों का प्रायश्चित करोगे तो तुम्हें फिर से पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो इन सब में, इन सब प्रायश्चितों में सबसे उत्तम और सर्वोत्तम है राम नाम का स्मरण करना। भगवान के नाम का स्मरण करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है। किंतु राम नाम तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। जिस तरह से भी हो सके, प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में, दोपहर में, किसी भी समय राम नाम का स्मरण करने से मनुष्य के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। राम नाम के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से मनुष्य मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है जिसका चित्त जप, होम और अर्चन आदि करते हुए निरंतर भगवान श्री राम में लगा रहता है, भगवान श्री राम के नाम में लगा रहता है, उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्कर में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज राम नाम का जप। प्रेमी भक्तों, इसलिए निरंतरता से, विश्वास से राम नाम के जप का अभ्यास करो, क्योंकि राम नाम का जप ही सर्वोत्तम मोक्ष का बीज है और इसी के जप करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाते हैं और संपूर्ण पाप क्षीण होने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। तो प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।